नॉलेज मॉल, तो आइए देखते हैं आज एनटीपीसी एग्जाम साथ ही साथ ग्रुप डी और आरआरबी के जेई जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं उस एग्जाम के लिए लगाते हैं हम लोग मैथ का ये 29वां टेस्ट सीरीज। तो अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो चाहे वो जेई हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी एंड बेनिफिशियल रहेगी। तो आइए लगाते हैं टेस्ट। प्रत्येक क्वेश्चन को हर बार की तरह पॉज करके सॉल्व करते जाएं, और नहीं सॉल्व होता है तो मेरा सॉल्यूशन इसके लिए आप देख सकते हैं। और सारी की सारी जितनी भी मैथ टेस्ट सीरीज है या फिर रीजनिंग की टेस्ट सीरीज या फिर जीके की, सारी की प्लेलिस्ट अलग से तैयार कर दी गई है, तो वहां से आप जाके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग टेस्ट। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य हो पाएगा। ए कर रहा है कितने दिनों में? 20 दिनों में। और बी को अगर करने दे दिया जाए तो उसी काम को 25 दिनों में करेगा। सबसे पहले निकाल लेते हैं दोनों का वर्क कितना है। तो 20 और 25 का ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 100। यानी कि 100 काम इन दोनों को मिलकर करने के लिए है। अब 20 से डिवाइड करेंगे 100 को कितने बार में? 5 बार में। और 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में? 4 टाइम में। ये जो हमारा आता है ये भी काम आता है, ओके? कि एक दिन में ए 5 काम और बी जो है एक दिन में 4 काम करता है। दोनों मिलाकर अगर करें तो एक दिन में वह 9 काम दोनों कर लेता है। तो 9 काम अगर करेगा, कहता है कि नहीं 3 दिनों तक कुल कितना काम का प्रतिशत किया जाएगा, तो एक दिन का काम तो 9 काम हो गया, तो ए प्लस बी का 3 दिनों का काम, 3 दिनों में कितना काम करेगा? तो 3 × 9 = 27। अब देखिए 27 काम करेगा ये दोनों 3 दिन में, और ये जो है करने के लिए बाकी है इसे 100 काम, 100 काम इन्हें करने थे जिसमें से 27 काम ही करता है 3 दिनों में। तो परसेंटेज निकालना था, तो ये तो ऐसे ही नजर आ रहा है कि 100 काम में अगर ये 27 काम कर रहा है मींस कि 27% ये काम करेगा, ओके? एंड परसेंटेज अगर निकालनी है तो 27 काम करता है कितना में? 100 में, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रतिशत में चेंज करने के लिए, तो ये भी 27% ही आपका आ जाएगा आंसर, ओके? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 18 मीटर तथा 24 मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 12 मीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये रहा समलंब चतुर्भुज, ऐसा होता है इसका फिगर। तो आमने समानांतर भुजा मीन्स ये भुजा और ये भुजा, एक भुजा बड़ी होती है एक भुजा छोटी, तो 18 मीटर हो गया ये, और ये पूरी लेंथ हो गई इसकी 24 मीटर, और ये जो इसकी हाइट हो गई ये 12 मीटर की हो गई। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुने हो जाएगा ऊंचाई। तो हाफ और मल्टीप्लाई यहां करेंगे, समांतर भुजा 18 और प्लस 24, और ऊंचाई कितने की दी गई है? 12। इसे आप कट कर सकते हैं कितने टाइम में? 6 टाइम में, ओके? अब यहां से 18 और 24 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 × 6। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 252 वर्ग सेंटीमीटर आ गया ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है कि 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 2:5, 3:4 तथा 4:5 है। इन 3 बोतलों को एक बड़े बोतल में खाली कर दिया जाता है, यानी कि तीनों को एक बड़े बोतल में मिला दिया जाता है। तो बताना है आपको कि बड़ी बोतल में क्रमशः दूध तथा पानी का अनुपात कितना होगा। चलिए एक बोतल ए, एक बी और एक सी, 3 बोतल दिए गए हैं, सब में मिल्क और वाटर का रेशियो दे दिया गया है। मिल्क और वाटर का रेशियो 2:5, इसमें 3:4 और इसमें 4:5। अब तीनों को एक बड़े बोतल मान लिया जाए डी में आपको मिक्स करना है, तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा गया कि क्या हो जाएगा। तो चलिए इसे देखते कैसे बनाना है।
सबसे पहले मिल्क की साइड आप मिल्क लीजिए तीनों। पहले वाले बोतल में मिल्क कितना है? दो। कितने में? पांच और दो सात में। दूसरे वाले बोतल में मिल्क कितना है? तीन। कितने में? तीन और चार सात में। प्लस फिर तीसरे वाले में मिल्क कितना है? फोर। कितने में? पांच और चार नौ में। इसी तरह आप वाटर का लेते हैं, वाटर कितना है? फाइव। पहले वाले में कितने में? सात में, तो पांच बटे सात लिख दिया। फिर इसमें है चार, कितने में? सात में, तो चार बटे सात। फिर थर्ड वाले में कितना है? पांच। कितने में? तो नौ में। अब इसे हम लोग करेंगे सॉल्व। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं बस वैसे आपको सॉल्व करना है, तो ये कंप्लीट आ जाएगा जोड़ने के बाद 73/63, और यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 116/63। ये आपका कंप्लीट कट जाएगा और कितना आ जाएगा? रेशियो 73:116, यही आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक परिवार के छह सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि एक अन्य व्यक्ति की आयु को शामिल किया जाता है तो औसत आयु में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उस आदमी की आयु क्या है? तो जनरली क्वेश्चन जो पूछता है तो सभी में क्या दिए रहते हैं कि शामिल कर लिया जाता है तो इतने वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे आपको परसेंटेज में दिया गया है कि 25% की वृद्धि होती है। तो सबसे पहले देखिए, छह सदस्यों के आयु का कुल योग, आयु का कुल योग कितना हो जाएगा? तो सदस्यों की संख्या और गुणे औसत आयु कितना हो जाएगा? 120 यानी 120 वर्ष हो गया। अब एक अन्य व्यक्ति शामिल हो गया, यानी पहले थे छह व्यक्ति, एक और यानी कि अब सात व्यक्ति हो गए, और औसत आयु 20 वर्ष थी तो उसमें 25% की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि होने पर कितना हो जाएगा? 20 वर्ष था, 25% की वृद्धि हो गई, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं कि बढ़ के हो कितना गया, तो हो कितना जाएगा? 125%। अब 20 से काट दे पांच बार में, पांच से कट कर दे कितना? 25 बार में, तो 25 आ गया। ओके, अब 25 आ गया यानी कि पहले था 20 और अब बढ़ने के बाद 25 वर्ष हो गया, तो अब सात सदस्यों की औसत आयु, सॉरी आयु का योग, सात सदस्यों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 7 × 25। तो यहाँ पे जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 7 तो कितना हो जाएगा? 175 वर्ष। ओके, अब जो नए व्यक्ति था, नया आदमी था, उसका आयु आपको निकालना है, तो उस व्यक्ति की आयु कैसे निकालेंगे? ये सात सदस्यों की जो आयु है 175, इसमें से माइनस कर देना है आपको छह सदस्यों की आयु का, तो 120 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 55 वर्ष आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य का 190% लाभ होता है, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य था उसका 190% लाभ होता है उसे। यदि क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता तो लाभ जो है विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है? 2% लाभ कहा गया है ऐसा। तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस को अगर हम 100 मानते हैं तो इसका जो लाभ अगर 190% है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 290%। आप यहाँ पहले समझ लीजिए कि अगर 100 में आपने खरीदा और 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा? 120, 100 उसमें प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे जब 190% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 290। अब कहता है कि यदि क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए, पहले खरीदा 100 में, अब 10% की वृद्धि यानी 110 में हो गया, लेकिन विक्रय मूल्य नहीं बदला, विक्रय मूल्य के बारे में कहा गया वो समान रहता है, तब बताना है आपको कि तो लाभ जो है विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है। अब अगर 110 में खरीदा और विक्रय मूल्य सेम टू सेम है तो यहाँ पे देखिए लाभ कितने का हो जाएगा? लाभ आप निकाल लीजिए माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? 180, 180 का लाभ हुआ। तो ये 180 कहा गया कि विक्रय मूल्य का यानी 290 का कितना प्रतिशत है, तो x प्रतिशत है ऐसा हमने मान लिया। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 0-0 कट हो जाएगा, अब तो कुछ कटेगा नहीं इसका, तो x का मान कितना हो जाएगा? 1800 बटे
29 जब आप इसे पॉइंट में करेंगे तो 62.06 करके आएगा। तो आपको लगभग में आंसर बताना था, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 62, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, कहता है कि दो व्यक्ति ए तथा बी 9 बजे एएम मतलब कि पूर्वाह्न सुबह में पर एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। ए तुरंत 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर चलना आरंभ करता है तथा बी 11 एएम पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए की ओर चलना आरंभ करता है। वह एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगे? दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए चलता है बी की ओर और बी चल रहा है ए की ओर। कहता है 9 बजे सुबह में एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी, यानी कि इनके बीच जो ये डिस्टेंस था ये था 260 किलोमीटर का। अब एक दूसरे की ओर चलना ये शुरू करते हैं, ए तुरंत 9 बजे इनके बीच इतनी दूरी थी और तुरंत ए 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलना शुरू किया, यानी ये चलना कितने बजे शुरू किया? 9 बजे। अब कहता है कि बी की ओर चलना आरंभ करता तथा बी 11 बजे, बी जो है ये तो चला 9 बजे यानी कि इसके 2 घंटे बाद, 11 बजे बी जो है 10 के रफ्तार से ए की ओर चलना आरंभ करता है। अब आपको बताना है कि वह एक दूसरे से किस समय मिलेंगे। ये बहुत ही इजी वे में बनता है। देखिए, सबसे पहली बात, ये 9 बजे चला और ये 11 बजे चला, तो 2 घंटे में ए ने कुछ तो दूरी तय की होगी। तो ए द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी, 2 घंटे में तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुने समय। चाल है 25 ए की और समय 2 घंटे, यानी कि 50 किलोमीटर की दूरी वह तय कर चुका, मान लिया जाए यहाँ तक आ चुका होगा 50 किलोमीटर की दूरी तय करके। तो अब जो दोनों के बीच जितनी दूरी रह गई उसी दूरी में ना वो दोनों मिलेंगे, तो शेष दूरी कितनी रह गई? तो 260 में आप माइनस कर दें 50, तो कितना हो जाएगा? 210 किलोमीटर अब शेष दूरी रह गई है। अब ये 2 घंटा चल गया तो 11 बजे तक मैं यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये भी 11 बजे और ये भी 11 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। डिस्टेंस कितना रह गया है अब दोनों के बीच? मात्र 210 किलोमीटर। तो समय आपको निकालना है कि कब मिलेंगे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 210 किलोमीटर और एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो चाल क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 25 और प्लस कितना हो जाएगा? 10। 210 और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे? 35। अगर आप इसे कट करना चाहें तो ये कितने टाइम में कट हो जाएगा? 6 टाइम में ये कंप्लीट रूप से कट जाएगा, यानी कि 6 घंटे का समय लगेगा और वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो आपसे यहाँ टाइमिंग पूछा गया है कि कितने बजे, तो 11 बजे हम लोग लेके चले थे, तो 11 प्लस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 बजे। ओके, 11 बजे से जोड़ेंगे तो 17 बजे। 17 बजे कहने का मतलब कि कितना हो जाएगा? 5 बजे। 5 बजे वो लोग आपस में मिलेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है यदि 2500 रुपया 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक संयोजन से 2970.25 इतना रुपया हो जाता है, 2500 रुपया था और इतना हो गया, मीन्स कि क्या हो गया? ये मिश्र धन हो गया। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। फॉर्मूला क्या होता है इसका? कि अमाउंट बाय प्रिंसिपल इक्वल टू 1+R/100/T। ये कुछ भी नहीं है आपका, ये पी यहाँ अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 लिखते हैं ना, तो पी को हमने इस साइड ले लिया है। ओके, अब 2970.25 लिख दिया हमने और 2500 ये मूलधन हो गया। रेट आपको निकालना है, टाइम है 2 वर्ष, तो यहाँ पे 100+R/100 हो जाएगा, टाइम हो गया 2 वर्ष, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए, ये बात कंफर्म है कि ये जब भी फॉर्म में आएगा ये स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तभी ये स्क्वायर और स्क्वायर जो है कट हो जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा। अब एक चीज और, स्क्वायर में तो आएगा
ये भी निश्चित है कि वह 100 के ही फॉर्म में आएगा, हर नीचे जो है 100 के स्क्वायर में आएगा। तो अगर 100 का स्क्वायर आपको लाना है तो इसे कट करना होगा, इसे कट कर दीजिए 25 से। 25 से कट करेंगे तो 1 पे कितना हो जाएगा, 40। और ऊपर भी अगर कट करेंगे हम 25 से तो ये कट हो जाएगा कितने टाइम में, 11881। अब ये देखिए, ये तो 100 का स्क्वायर हो गया, ये किसका स्क्वायर है? तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप फट से निकाल लीजिएगा। 109 का स्क्वायर है वो, और ये 100 का स्क्वायर है। स्क्वायर दे दिया हमने, यहाँ पे 100 प्लस आर बाई 100 का हो जाएगा स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, अब नीचे 100 और 100 भी कैंसिल हो जाएगा। अब r इक्वल टू ये 100 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो 109 में 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9%। यानी रेट कितना निकल गया, 9%, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है ए और बी किसी कार्य का 8/13 भाग को पूरा करता है तथा शेष कार्य सी ने पूरा किया। यदि ए बी तथा सी ने उसी कार्य के लिए 2600 रुपये लिए हो तो सी का हिस्सा कितना होगा। ए और बी, ए प्लस बी दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 8/13। अब बचा हुआ काम सी ने किया है, तो 8/13 काम अगर हो गया है तो शेष काम कितना बचा, 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 5। तो 5/13 शेष काम बच गया है, जो कि कौन करेगा, सी। ये अब रेशियो में आ गया, 13:13 कट हो गया, 8:5 के रेशियो में आ गया। अब पैसा, किसी भी व्यक्ति को पैसा उसी रेशो में मिलता है जिस रेशो में वह काम करता है, ना कि दिन के अनुसार। काम की जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, कहता है कि 2600 रुपया टोटल थे तो उसमें सी को कितना मिलेगा, तो सी को कितना मिलेगा, 5 कितने में, 8/5 13 में। इसीलिए 2600 में कितना मिलेगा, 200 बार में कट गया, यानी कि 1000 रुपया उसे मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि एक ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस बेलन बनाया जाता है। इस पूरे प्रकरण में कितना प्रतिशत पदार्थ व्यर्थ हुआ। इसका कहने का ये मतलब है कि किसी एक शंकु था और इसे पिघलाकर एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया गया, तो कुछ भाग इसका नष्ट हो गया है, तो कितना प्रतिशत जो है व्यर्थ हुआ, कितना प्रतिशत नष्ट हुआ, ये आपको निकालना है। इसमें इस शंकु में इसकी जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है आधार की शंकु की वो 8 सेंटीमीटर। इसका जो बेलन बनाया गया, इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या जो है बेलन की 6 सेंटीमीटर दी गई थी। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन तो कितना हो जाएगा, 1/3 πr²h। 1/3 π, पाई को हम यूं ही छोड़ देते हैं क्योंकि उधर भी पाई आएगा तो दोनों कटने में आसानी होगी, ऐसे थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो पाई का मान यूं ही छोड़ दिया। आर का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर यानी 8×8 भी कर सकते हैं। और एच का मान 24 दिया गया है, 3 से कट कर दें 8 टाइम में तो 8 का क्यूब आ गया। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 पाई हो गया इसका आयतन। अब निकाल लेते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान यूं ही छोड़ देते हैं, R का मान 6 है तो 6×6, H का मान भी 6 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 216 पाई। अब देखिए कहाँ तो 512 पाई था शंकु का आयतन और यहाँ 216 पाई का ही ये बना है, यानी कि कुछ भाग तो नष्ट हुए। तो व्यर्थ पदार्थ जो है कितना, 512 पाई में से आप माइनस कर दें 216 पाई को तो आ जाएगा 296 पाई। ये व्यर्थ पदार्थ है, आपको निकालना है इसका प्रतिशत। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 296 पाई व्यर्थ गया कितने में, टोटल 512 पाई में से, इसीलिए 100। क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है, इसे कट करेंगे तो ये कंप्लीट कट जाएगा आपका कितने टाइम में, 57.81 इस तरीके से आएगा आपका। तो आपके ऑप्शन में 57.8, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 रुपया प्रति केजी वाली चीनी को 45 रुपया प्रति केजी वाली चीनी के साथ
किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 42 रुपया पर केजी में बेचने पर 20% का लाभ हो। देखिए, एक जो एक प्रकार की चीनी है वो 30 रुपया पर केजी है, दूसरी प्रकार की चीनी है 45 रुपया पर केजी। अब कहता है किस रेशियो में मिलाए कि जिसे कि मतलब कि 42 रुपया पर केजी में जब बेचा जाए तो 20% का हो जाए उसको प्रॉफिट। तो सबसे पहले यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं। सीपी को अगर आप 100 मानते हैं और लाभ हो रहा है 20% का, तो 120 में बेचेगा, 120% में बेचेगा और रुपये में 42 रुपये में। 1% बराबर कितना, 42/120, इसीलिए 100% सीपी निकल जाएगा इसका। अब इसे अगर पूरा आप कट करेंगे तो ये कितने टाइम में कट जाएगा, ये आ जाएगा कटने के बाद 35 रुपीज। ओके, 20 से काट दीजिएगा इसके 6 बार में, इसे 5 बार में, 6 से काट दिया 7 बार में, यहाँ पे आ जाएगा 35 रुपीज। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ। 30 रुपया पर केजी वाली चीनी को 45 रुपया पर केजी वाली चीनी के साथ किस रेशियो में मिलाया जाए कि ये 42 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ हो। तो दोनों को मिलाने पर अगर क्रयमूल्य की बात की जाए तो कितनी हो गई है, 35। तो यहाँ सेंटर में रखेंगे हम 35। अब क्रॉस में कर देना है आपको माइनस, जिसमें जो घटेगा आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे माइनस करने के बाद आ जाएगा 5। इसे जब आप कट करेंगे तो 2:1 के रेशियो में आ जाएगा। तो इसी रेशियो में इसे मिलाना होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।